नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में कई मंदिरों का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इन मंदिरों को कई बार तोड़ा गया, गिराया गया, लेकिन कई हिंदू राजाओं द्वारा इनकी पुनर्स्थापना की गई। इसी कड़ी में एक नाम आता है विश्वनाथ टेम्पल का, जो कि बनारस में स्थित है। ये गंगा नदी के किनारे पर है। बनारस जिसे कि वाराणसी और काशी नाम से भी जाना जाता है। काशी का मतलब होता है प्रकाशवान। काशी प्राचीन काल से ही भारत के प्रमुख शहरों में रहा है। इससे एक समय पर भारतीय शिक्षा की राजधानी भी माना जाता था। तो इसी जगह पर विश्वनाथ टेम्पल स्थित है। विश्वनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी आस्था का केंद्र रहा है। तो सबसे पहले 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को ध्वस्त किया और इसकी जगह रजिया मॉस्क का निर्माण कराया। सन 1230 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी ने इल्तुतमिश के शासनकाल में इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने इस मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया, लेकिन राजा मानसिंह ने इस मंदिर का अकबर के शासनकाल में फिर से निर्माण कराया। इसके बाद राजा टोडरमल ने 1585 ईस्वी में इस मंदिर को फिर से इसकी ओरिजिनल साइट पर फिर से बनवाया और इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर के शासनकाल में पूरा करवाया। इसके बाद सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को इसके लिंगम के साथ ध्वस्त करवा दिया और इसकी जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद एक मराठा राजा मल्हार राव होलकर ने इस मस्जिद को ध्वस्त करके इसकी जगह मंदिर को बनाने की योजना बनाई, लेकिन वो अपने इस कार्य में अवध के नवाब के हस्तक्षेप के कारण सफल नहीं हो सके। इसके बाद सन 1750 में जयपुर के एक महाराजा ने इस ज़मीन का सर्वे कराया और इसे खरीदने की एक योजना बनाई, लेकिन वो भी अपने काम में सफल नहीं हो सके। इसके बाद सन 1780 में मल्हार राव होलकर की पुत्रवधु अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें की कई मंदिरों के जीर्णोद्धार कराने का श्रेय प्राप्त है, जो कि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार ध्वस्त कर दिए गए थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण ज्ञानव्यापी मस्जिद के बराबर में करवाया। ये वही मंदिर है जो कि आज हम वर्तमान में देखते हैं। आज भी ये मंदिर अपनी ओरिजिनल साइट्स पर नहीं है और इस मंदिर की जिम्मेदारी सन 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ले ली गई थी। इसके साथ ही विश्वनाथ टेम्पल के वेस्टर्न साइड में एक मंदिर है माता श्रृंगार गौरी टेम्पल, जहाँ की दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पूजा अर्चना रोक दी गई थी, लेकिन अगस्त 2021 में इस मंदिर में पूजा अर्चना को फिर से स्टार्ट करने के लिए वहाँ की 5 महिलाओं ने वाराणसी के एक लोकल कोर्ट में पेटिशन दायर की है।